Good morning, children. I hope you all are enjoying the rainy days. Pray that we get more and more and plenty of good rains. So now, coming on to page number 43 in EVS books. Today, we will going to continue with our festivals. So now, this next festival. In our last class, we studied about Christmas and Diwali. Now we were going to learn about Gurpurab, Eid and Holi. What is Gurpurab? Gurpurab is celebrated to mark the birthdays of Sikh Gurus. Now your homework is you will going to tell me how many Sikh Gurus are there in all. Okay, how many Sikh Gurus are there in all? People celebrate by going to Gurudwara and praying. They take out processions. Processions मतलब क्या होता है? Processions मतलब जैसे कि हमारी बारात नहीं होती है, जब सब लोग इकट्ठा होके कहीं पर जाते हैं, right? कोई celebration करते हैं, जैसे बारात होती है तो हम लोग सब कितना excited होके इकट्ठा होके जाते हैं कहीं पे. उसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे group of people है जो कि कोई चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. कॉल्ड प्रभात फेरी. प्रभात मतलब मॉर्निंग, फेरी मतलब चक्कर लगाना. तो वो लोग क्या करते हैं, सिख गुरुस के बर्थडे के दिन क्या करते हैं, वो पूरे सिटी में चक्कर लगाते हैं. दे सिंग, दे डांस, भजन करते हुए वो लोग प्रभात फेरी निकालते हैं. एंड ईट लंगर और कम्युनिटी फेस्ट. लंगर मतलब जो गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे में एवरी डे आप जाके वहाँ पे खाना खा सकते हो. जैसे हमें एक प्रसाद नहीं मिलता है, उसी तरीके से गुरुद्वारे के खाने को लोग बहुत अच्छा और बहुत प्रसाद की तरह उसको रिस्पेक्ट करते हैं. एंड वहाँ पे लंगर में हमें लंगर बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है. उसको जब सबको बहुत लार्ज क्वान्टिटी में लोग वहाँ खाते हैं उसको बोलते हैं लंगर. नाउ ईद. ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान. पूरा एक मंथ जो भी हमारे मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, फुल वन मंथ तक फास्टिंग करते हैं डेली. उसके बाद में जो लास्ट डे होता है उस दिन वो ईद सेलिब्रेट करते हैं. द सेलिब्रेशंस बिगिन आफ्टर साइटिंग द मून. मून जिस दिन दिखता है उसके नेक्स्ट डे फिर वो ईद सेलिब्रेट करते हैं. On Eid, people visit the mosque. अब देखिए गुरपुरब में सिख विजिट टू गुरुद्वारा. इन ऑन ईद मुस्लिम विजिट टू द मॉस्क. दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. दे वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड ईट अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड सेवई. ओके, तो ये है ईद के बारे में. वो लोग क्या करते हैं, मॉस्क जाते हैं, एक दूसरे को हक करके दे से ईद मुबारक एंड देन वेयर न्यू क्लोथ्स. जैसे हम लोग कैसे होली दिवाली पे एक्साइटेड रहता है उसी वैसे ही सब लोग ईद पे भी एक्साइटेड रहता है. नाउ कम ऑन होली. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. एवरीबॉडी नोज पीपल प्ले विद कलर्ड पाउडर जिसको हम गुलाल बोलते हैं, कॉल्ड गुलाल, एंड कलर्ड वाटर. दे सिंग, डांस एंड ईट अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड गुजिया. ओके, इसके होली के बारे में तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू एनीथिंग, यू नो एवरीथिंग. होली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सम अदर फेस्टिवल्स. तो मेन फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरपुरब ये है. बट देर आर ऑल्सो स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो पूरे, जैसे अब होली है तो होली पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होती है. ओके, नॉर्थ में भी होती है, कल हम नॉर्थ में भी होती है, साउथ में भी होती है, ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में, राइट. होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, एवरी, ये सब चीज़ें हम बहुत कॉमनली हम इनके बारे में जानते हैं. और क्या होता है कि ये हर स्टेट में, हर सिटी में सेलिब्रेट होती है. बट कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हर जगह सेलिब्रेट नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेशल या कुछ स्मॉल जगहों पर ही सेलिब्रेट होते हैं, राइट. अब जैसे ओनम है, सी
इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया में हर कुछ दिनों में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं. मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, दिस इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. अब क्या होता है, खूब सारे हमारे पूरी कंट्री में पूरे साल, पूरे ईयर, अलग अलग मंथ्स में कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. द पिक्चर्स बिलो शो सम ऑफ दैम. अब ओनम है. ओनम हम राजस्थान में सेलिब्रेट नहीं करते, बट ओनम हम केरला में सेलिब्रेट करते हैं. ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. इट इज़ फेमस फॉर स्नेक बोट रेसेस. ठीक है, क्या होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ गेम. वहाँ पे खूब सारा वाटर है एंड द पीपल देयर आर वेरी गुड एट बोटिंग. तो वो लोग क्या करते हैं, ओनम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बाय हैविंग अ रेस ऑफ स्नेक बोट रेसेस. ओके, स्नेक बोट मतलब जो बोट का शेप होता है, इट लुक्स लाइक अ स्नेक, वेरी लॉन्ग बोट्स, वेरी लॉन्ग बोट्स. नाउ नेक्स्ट दुर्गा पूजा. तो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल फॉर 4 डेज. नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में हम क्या करते हैं, हम पूरे 9 डेज गॉडेस लक्ष्मी की, गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं, राइट. तो उसमें वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़ोर से, बहुत ना एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट होता है. पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा एंड वेयर न्यू क्लोथ्स. तो ये जब मोस्टली इस तरीके की क्लोथिंग किस कहाँ की होती है, ऐसी क्लोथिंग होती है बंगाल की. नाउ सी पोंगल. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. पीपल प्रिपेयर द स्पेशल पोंगल राइस एंड वर्शिप कैटल. ओके, अब क्या होता है, वो लोग उनका जो हार्वेस्ट फंक्शन होता है उसमें, जैसे कि उन्होंने खेती किया है, अब वो पूरे बहुत टाइम तक प्रे करते हैं कि हमारा जो हमने जो क्रॉप ग्रो करा है वो प्रॉपरली ग्रो हो जाना चाहिए. जैसे हम कोई चीज़ के लिए वर्शिप नहीं करते कि गॉड हमारा ये काम अच्छे से हो जाना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए. तो ये भी क्या होता है, काफ़ी टाइम तक सब लोग वर्शिप करते हैं राइस, वहाँ पे जो राइस ग्रो करते हैं ना, तो उस राइस को अच्छे से ग्रो करने के लिए वो गॉड से वर्शिप करते हैं. जब वो राइस अच्छे से ग्रो हो जाती है और वो उस राइस को कट कर लेते हैं, तब वो वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दे आर हैप्पी कि उन्होंने जो ग्रो क्रॉप को ग्रो किया वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया. सिमिलरली बैसाखी, ठीक है. तो बैसाखी भी क्या होता है, बैसाखी इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल ऑफ पंजाब. अब ये पंजाब में फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. पीपल डांस टू द ट्यून ऑफ भांगड़ा एंड सेलिब्रेट अ गुड हार्वेस्ट. वहाँ पे भी क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और जब क्रॉप ग्रो करते हैं उसके बाद में क्या होता है कि वो प्रे करते हैं कि किसी भी तरह से हमारा क्रॉप ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब क्रॉप उनका ख़राब हो जाता है तो उनको बहुत लॉस होता है, बहुत नुकसान होता है उनको. तो इसके लिए वो उसके गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छे क्रॉप के लिए प्रे करते हैं कि हमें अच्छा क्रॉप ग्रो होना चाहिए. तो जब वो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाता है, जिस दिन उस क्रॉप को वो कट करते हैं, तब वो उसको सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी. एंड गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है अच्छा क्रॉप. जैसे अगर आपने गेहूं को ग्रो किया है, राइट, तो आप भी वेट करते हो ना कि हम कोई भी सी चीज़ को हम ग्रो करते हैं, जैसे इफ़ वी हैव प्लांटेड अ ट्री, राइट, अगर हमने लेमन का ट्री ग्रो करना है हमको, तो लेमन के प्लांट के लिए हमने लेमन का सीड डाला. अब हम रोज़ उसको जाके चेक करते हैं कि निकला या नहीं निकला, ग्रो हुआ या नहीं हुआ, राइट. उसी तरीके से फार्मर्स का तो काम ही होता है क्रॉप्स को ग्रो करना, है ना. तो वो फूड ग्रो करते हैं, तो वो अच्छा फूड जब ग्रो हो जाता है, उनको किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है, तब वो ये सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर. वी हैव डन 4 पेजेस, सो यू नीड टू रीड द चैप्टर एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट क्लास. गुड डे.